हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल के इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट वीडियो के साथ। इंसान प्राकृतिक रचना सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग प्राकृतिक इस रचना के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खुद को एक जानवर के रूप में बदल लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर वन, इस फोटो में देखिए, शक्ल और नकल से अजीब गरीब देखने वाले ये इंसान अपने शरीर के बनावट के कारण दुनिया भर में मशहूर थे। लंदन के रहने वाले इस इंसान की अजीब गरीब शौक के कारण इस इंसान ने अपने पूरे शरीर में काली और सफेद टैटू बनवा लिया था, जिसके कारण इसका शरीर जेब्रा जैसा दिखते थे। इतना ही नहीं बल्कि बाद में उन्होंने अपने नाम हॉरेस रिडलर से बदल कर द जेब्रा मैन रख लिया था। हॉरेस रिडलर एक स्लाइड शो परफॉर्मर था, इसलिए इस अजीब गरीब नाम और शरीर के बनावट के कारण लोग उन्हें द जेब्रा मैन के नाम से जानते थे। हॉरेस रिडलर की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़ चुके थे और बाद में सन 1965 यानी 83 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गया था। नंबर टू, ट्रम्बलीपर। क्या आपको पता है कि किसी समुद्र की टापू में बसने वाले खतरनाक मम्मी की तरह दिखने वाले इस इंसान दुनिया भर में लेपर्ड मैन के नाम से मशहूर। इस इंसान को एक अलग ही शौक था। ट्रम्प लेपर्ड ने शरीर पर लगभग 1% हिस्से में चीते और तेंदुए की तरह टैटू बनवा रखे थे, इसलिए दुनिया उन्हें लेपर्ड मैन के नाम से जानती है। ट्रम्प लेपर्ड का जन्म 14 अक्टूबर 1935 में ब्रिटेन के ब्रूड ब्रिज में हुआ था। लेपर्ड मैन के नाम से मशहूर इस इंसान को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी दुनिया का टैटू मैन माना था और बाद में सबसे अधिक टैटू वाले वरिष्ठ नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त इस इंसान को 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया था। नंबर थ्री, देखिए, इसका नाम है टेड रिचर्ड्स। यूके के रहने वाले इस इंसान को तोते बहुत पसंद है। तोते उन्हें इस कदर पसंद है कि वो खुद भी तोते जैसा दिखना चाहते हैं। तोते की तरह दिखने की चाहत उन पर इस कदर हावी है कि उन्होंने अपने शरीर में तोते की तरह टैटू बनवाया हुआ है। टेड ने 1976 में अपना फर्स्ट टैटू करवाया, उसके बाद से उन्होंने अपने पूरे बॉडी में टैटू बनवा लिए। इन्होंने दो चुंबक भी अपने हाथों में इम्प्लांट करवाए है। इतना ही नहीं, इन्होंने चेहरे पर ही 5 पियरिंग कराए और अपने जीभ भी कटवाए है। वो भविष्य में एक ऐसी सर्जरी की तलाश कर रहे हैं जो उनकी नाक को चोंच में बदल सके। नंबर फोर, आपने अजीबोगरीब टैटू मैन तो देखा ही होगा, आप उसे भी देखिए। ब्राजील में रहने वाले इस शख्स का नाम है रोड्रिगो बरागा, जो पेशे से एक आर्टिस्ट है। उनका शौक और पसंद इतना खतरनाक है कि उन्होंने हद ही कर दी। उन्हें कुत्ते बहुत पसंद है। वो चाहते थे कि उनका चेहरा भी कुत्ते की तरह ही दिखे, इसीलिए उन्होंने लोकल अधिकारी से इजाजत लेने के बाद एक बीमार कुत्ते को मारकर उस कुत्ते का चेहरा अपने चेहरे पर लगवा लिया। चेहरा जुड़ने के बाद वो भी कुत्ते की तरह ही दिखने लगे, जिसके बाद वो डॉग मैन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि इंसान अपने अजीबोगरीब शौक के कारण कहां तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, आप अपने राय, सलाह और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।